हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, सूटकेस निकाल दिया जाने के लिए, सब सामान उसमें भर देंगे और थोड़ा सा स्किन को भी पैम्पर करने वाले। कल हम लोग थ्रेडिंग वगैरह करके आए, तो मैंने आज सुबह ही मम्मी को मस्त फेस ब्लीच करके दिया। और ये VLCC का मैं फेशियल किट लेकर आई थी, जिसमें 5 स्टेप्स फेशियल है, 99 रुपीज़ का है, बहुत अच्छा। इसमें क्लेंजर है, स्क्रब है, मसाज जेल है, फेशियल क्रीम और फेशियल पैक है, बहुत अच्छा है। सनफ्लावर टमाटो एक्सट्रैक्ट का बहुत ही अच्छा है। और एक किट में एक टाइम का फेशियल आपका अच्छे से हो जाएगा, मतलब क्वांटिटी भी इसमें बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा सा था, बहुत अच्छा क्वांटिटी था ओवरऑल फेस पे मम्मी को यूज़ करने के लिए मुझे हो गया। तो ये मम्मी का करके हो गया है, तो मम्मी का तो पैम्परिंग हो गया फेस का। अभी मेरे को थोड़ा मेरा ब्लीच करना है। एंड आई नो आप में से बहुत सारे जन बोलते हैं कि ब्लीच नहीं करना चाहिए, मुझे भी पता है ब्लीच नहीं करना चाहिए, बट 6 महीने में एक बार ठीक है, कभी आप किसी फंक्शन में या कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो एक बार चल जाता है। तो अभी मैंने कभी लास्ट किया था मुझे भी याद नहीं अभी कितना टाइम हो गया है। और ब्लीच करने से ना आपको इंस्टेंट ग्लो मिल जाता है, तो ठीक है 6 महीने में एक बार कर लिया। तो नाउ आई एम गोइंग टू डू ब्लीच, मैं अपना खुद का फेस ब्लीच करूँगी, स्क्रब करूँगी। और मैं एक ऐसा फेस मास्क लेकर आई हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, हल्दी वाला टर्मरिक वो लगाने वाली हूँ, तो वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, हेयरबैंड लगा दिया ताकि छोटे बाल सब पीछे चले जाए। और मैं और मम्मी दोनों यही कर रहे हैं, फेम का इंस्टेंट ग्लो गोल्ड वाला एक लाया था डब्बा, हम दोनों को यूज़ हो गया फेस के लिए। तो मैंने फेस अच्छे से क्लीन कर दिया है, नाउ लेट्स स्टार्ट। ब्लीच लगा के कंप्लीट हो गया फेस एंड नेक पे, मैंने अच्छे से लगा दिया है। अभी इसको आराम से मैं 20 से 25 मिनट रखूँगी ताकि अच्छे से वो ब्लीच हो जाए। तो 20-25 मिनट्स है मेरे पास, तो मैं कुछ ज़्यादा स्वेट हो ऐसा काम नहीं करना चाहती हूँ। तो पीछे आप देख सकते हो सुशांत ने सूटकेस निकाल के रख दिया है और मैंने मेरे रात को कपड़े भी निकाल के रख दिए, क्या मुझे उसमें लेके जाना है। तो मैं सोच रही हूँ 20 मिनट है मेरे पास आराम से, तब तक मैं थोड़ा पैकिंग का काम कर लूँ, तो जिससे मैं थोड़ा स्वेट भी नहीं हो जाऊँगी और मेरा ब्लीच भी अच्छे से हो जाएगा। तो एकदम अच्छे से मेरा ब्लीच हो गया, जो टैन था वो निकल गया। और मम्मा का जो स्टेप 2 स्क्रब वाला था ना, उसमें थोड़ा स्क्रब बच गया क्योंकि स्क्रब इतना यूज़ होता नहीं, तो मैं यही स्क्रब यूज़ करके अपना फेस को अच्छे से एक्सफोलिएट करके रहूँगी ताकि जो भी डेड स्किन वगैरह है वो अच्छे से इसमें से निकल जाए, क्लियर हो जाए, एंड आई कैन गेट अ नाइस स्मूथ एंड फ्रेश स्किन। तो ये देखिए इतना ऑलमोस्ट इतना ही मैंने मम्मा के लिए यूज़ किया और इतना हाफ क्वांटिटी बच गया। और बहुत अच्छा है, माइक्रो ग्रैनुलर्स है इसमें स्क्रब का, तो बहुत अच्छे से पूरे स्किन को एक्सफोलिएट करेगा और फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने एकदम जेंटली इसको स्क्रब किया, ज़्यादा हार्शली नहीं किया क्योंकि ग्रैनुलर ऑलरेडी मुझे थोड़ा फील हो रहा है क्योंकि मैंने ब्लीच किया है, तो ब्लीच करने से आपकी स्किन माइल्ड सेंसिटिव हो जाती है। तो फिर इसके लिए स्क्रब करते समय ज़्यादा फोर्स मत लगाइए, एकदम हल्के हाथों से स्क्रब कीजिए ताकि आपका जो उससे ऊपर का जो लेयर है वो अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाए। तो अभी मेरा स्क्रब अच्छे से हो चुका है, सॉरी। तो अभी मैं फेस क्लीन करके जो मेरा लास्ट फेशियल मास्क है वो शीट वाला वो लगा लेती हूँ। तो अभी जो मैं 3rd स्टेप करने वाली हूँ वो ये है, टर्मरिक का एसेंशियल फेशियल शीट मास्क। टर्मरिक आपको पता है स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, तो ये अभी मैं अप्लाई करती हूँ, इसको कट कर लेती हूँ। इसके पीछे इसका सारा इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको कैसे यूज़ करना है आपको। आप फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद ये शीट लगा के 15-20 मिनट्स रखना है, उसके बाद निकालना है और जेंटली फेस को टैप करना है ताकि जो भी फेस पे ये एसेंस बचा होगा वो आपके फेस में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। तो ये मैंने कट कर लिया, इसको ओपन करते हैं और शीट को निकालते हैं। हाँ, खुशबू भी बहुत मस्त है। और ऐसा भी नहीं है कि शीट में एकदम कम प्रोडक्ट यूज़ किया है, एकदम शीट ये देखिए पूरा प्रोडक्ट से भरा हुआ है, तो ये कुछ इस तरह है। तो आप अपना प्रॉपर लेवल लगा के लेके इसको लगा लीजिए। ओहो क्या बढ़िया खुशबू है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, वेरी नाइस स्मेल। फाइनली मैंने मास्क देखिए अच्छे से लगा दिया है, मैं तो इसको आराम से ना 25 मिनट रखने वाले ताकि ये प्रॉपरली मेरे स्किन में जितना भी इसमें प्रोडक्ट यूज़ किया, एसेंस यूज़ किया, ऑयल वगैरह जो भी, टू गिव अ नाइस रिफ्रेशिंग फील टू योर स्किन, मैं उतना रखने वाली हूँ और अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। सो आई एम नॉट टॉकिंग टू मच राइट नाउ बिकॉज ये मूवमेंट नहीं करना है। तो मैं आप लोग को 20-25 मिनट के बाद मिलती हूँ, बाय बाय। तो अभी टाइम हो गया इसको निकालने का, आई एम रिमूविंग दिस।
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी खुशबू है इसको। तो देखिए कितना वेट था ये, अभी ड्राई हो चुका है और मेरे स्किन पे आ गया सब। तो आई एम गोइंग टू टैप इट लिटिल बिट ज़्यादा इसको, अभी इसको बिल्कुल भी फेस वॉश नहीं करना है और धोना भी नहीं है आपको, कुछ नहीं करना है। इसी तरह इसको और जितना आप रख सको 15-20 मिनट आधा घंटा, तो और अच्छे से आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो मैं लेकर आई 129 रुपीज़ का है, मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड का मिलता है मास्क, आप कोई भी मास्क यूज़ कर सकते हो, शीट यूज़ कर सकते हो। और सच में बहुत रिफ्रेशिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा लगा के। आई यूज्ड इट आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। yes. मम्मी कर रही है पूजा और मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ। और आज संडे है लेकिन हम लोग के घर में आज कुछ नॉनवेज नहीं बनने वाला, क्योंकि आज है कार्तिकी एकादशी, तो हम लोग के घर में उपवास होता है, मतलब मम्मी का उपवास है, हम लोग का नहीं है। बट आज हम लोग भी उपवास वाला ही मेनू खाने वाले, मतलब उपवास की बटाटे की भाजी और वरी का जो वो घावना जैसे बनाते वो बनाऊंगी। डैडी के लिए चपाती बनाऊंगी क्योंकि डैडी वो नहीं खाते, और दही है, और डैडी के लिए दाल राइस है। तो हम लोग भी काइंड ऑफ उपवास हो जाएगा मम्मी के साथ, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू ईट राइस। हम लोग भी जो मम्मी खाएगी वही खाने वाले। तो अभी क्विकली स्टार्ट करते क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, 12:30 ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग का ये सब करने में इतना टाइम चला गया कि 12:30 हो गया है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। आज मैं सानू को विश करूँ, उसके पहले सानू आगे मुझे पूछ रही, मम्मा टुडे इज चिल्ड्रन डे, यू डिडंट विश मी करके। तो हैप्पी हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। मुझे पता है मेरे चैनल पे बहुत सारे बच्चे भी हैं जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, डेली व्लॉग्स देखते हैं, तो उन सबको भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। एंड आज चिल्ड्रन डे तो स्पेशल सानू के लिए क्या किया जाए, अभी मैं सोच रही हूँ क्या करूँ उसके लिए थोड़ा स्पेशल। लेकिन अभी वो देखो क्या करिए, अपना पूरा कलर का सेट उसने निकाल दिया है, क्रेयॉन्स है, उसमें पेंसिल कलर है, वाटर कलर है, ग्लिटर है, और ड्राइंग के लिए बुक भी है। तो मोबाइल पे वीडियो देख रही है और मोबाइल पे वीडियो देख देख के सेम टू सेम कॉपी करने का कोशिश कर रही है। उसमें देखिए जैसा दिखा रहे वैसे वो कॉपी कर रही है। सानू को ड्राइंग, मतलब ड्राइंग का क्रेज़ नहीं है लेकिन उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद है। कलर के साथ मिक्स मैच करना, खेलते रहना, ड्रॉ करना पसंद है। और उसने ये देखिए क्या बनाया, कितना क्यूट बनाया, हार्ट्स बनाए, दिख रहा है आपको, हार्ट्स बनाए, उस पर अपना नाम लिखा है सानवी साने करके, दो तीन हार्ट्स बनाए। तो उसको ऐसे ना कलरिंग करना बहुत पसंद है, तो इसके लिए उसको नया पूरा कलर का क्रेयॉन सेट मिला है, तो बहुत खुश है। नानी के पास से आते ही मुझे बोली कि मम्मा अभी तो मुझे सेट निकाल के दे तो सो दैट आई कैन ड्रॉ करके। तो मैंने कहा चल ठीक है, अभी घर पे ही है, अभी यहाँ पे तो इतने उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, सब अपने अपने नानी के घर ही गए, वियाना वगैरह नानी के घर गई है, आज शाम को आने वाली है। तो इसे मैंने कहा ठीक है, तो वो मोबाइल में देखते देखते उस हिसाब से ड्रॉइंग कर। नानी एंजॉइंग योर ड्रॉइंग, क्या क्या निकाल रहे हो? अच्छा घर बन रहा है वो, देखो उस पर घर बनाने के लिए सिखा रहे हैं, तो सानू भी उसी तरह सेम ड्रॉ करने की कोशिश करिए। वेल डन करते रहो करते रहो। तो अभी ये वरी है, ये ऐसा दाना जैसा है और ये साबुदाना है। तो अभी मम्मी इसको मिक्सर में दोनों को ग्राइंड करके फाइन एकदम पाउडर बना के लेगी और फिर उसका हम लोग घावने बनाएंगे, है ना माँ? आज क्या है? कार्तिकी एकादशी। आज मम्मा का तो उपवास है, दोनों टाइम का उपवास है। मम्मा दोपहर को भी खाना नहीं खाएगी और शाम को भी खाना नहीं खाएगी। शाम को देखते क्या बनाएंगे, अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग यही बनाने वाले हैं। उपवास का बटाटे की भाजी हो गई है रेडी और यहाँ पे घावने का भी बैटर रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा मिर्ची डाला है मम्मा ने क्योंकि सब लोग इतना तीखा नहीं खाएंगे, और थोड़ा एक्स्ट्रा मिर्ची मैंने कट करके रखा है अगर बाद में लगे तो मेरे लिए और मम्मी के लिए ऊपर से डालने के लिए। और यहाँ पे घावने भी हो गए रेडी, तो लंच भी रेडी हो गया, तो अभी हम लोग सब यही खाने वाले। और दही भी मैंने निकाल के रख दिया है, तो जिसको जिसको दही चाहिए वो लोग दही भी ले लेंगे। हम लोग की शॉपिंग ही ख़त्म नहीं हो रही है, अभी मैं और सुशांत जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, सानू को भी लेके जा रहे हैं क्योंकि वो घर पे बहुत सताने वाले हैं। और आज मैं ये बाइक पे से जाने वाली, तो ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास पहन के जा रही हूँ क्योंकि मेरे ये वाले आँख में ना कुछ तो गया है कब से, मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है, चुभ रहा है। कितना मैंने रोज़ वाटर भी डाला तो भी जा नहीं रहा है, देखिए हल्का सा रेड हो गया, इसलिए मैंने काजल भी नहीं लगाया। तो अभी बाइक पे बैठना है इसलिए मैंने कहा नहीं ग्लासेस पहन लेते ताकि और कुछ उसमें धूल मट्टी जाके और बढ़ ना जाए, टुमारो आई हैव टू ट्रैवल अगेन। आप लोग ने मुझे कई बार सजेस्ट किया था कमेंट में कि इशिता अगर शॉपिंग के लिए जाना है तो डीमार्ट के पास पाइकर है और जूडियो है, वहाँ पर ट्राई करना। तो आज हम लोग स्पेशली यहाँ पे आए शॉपिंग करने के लिए, मतलब हम सुशांत के लिए भी लेना है और भी किसी के लिए लेना है। सो लेट्स सी, हम लोग शर्ट लेते हैं, टी शर्ट लेते हैं या दूसरा कुछ लेते हैं, लेट्स गो इनसाइड एंड सी। यहाँ जूडियो से लेते हैं कि स्पाइकर से लेते हैं, लेट्स सी, पता नहीं कुछ पहले तो जूडियो जाते क्योंकि फर्स्ट वही हम लोग का डिसाइडेड हुआ था। तो लेट्स गो इनसाइड।
सुशांत रात को पूरा डाइट फूड ही खाता है, रात को वो डिनर नहीं करता है बहुत टाइम से। और जब मेरा स्टोन का सर्जरी हुआ था ना, तभी ताई ने बताया था कि यहाँ पे ये जो संजीवनी करके ना, यहाँ पे सूप, सैलेड और क्या मिलता है, जूसेस, कोल्ड जूसेस, तीन ऑप्शन है। फर्स्ट कोल्ड जूसेस है, सूप है और सैलेड है। कोई भी सैलेड आप चूज़ कीजिए, 50 रुपीज़ का है। बहुत सारे ऑप्शन है, इंडियन, अमेरिकन, मैक्सिकन, फ्रूट वाले सैलेड, सब कुछ है। कोई भी आप लोग, 50 रुपीज़ का है। ये एग्जैक्टली कहाँ पे पता है, SBI का जो बैंक है ना, हाँ कुटला लेना है बट्टू, अब डीमार्ट रोड, डीमार्ट रोड, हाँ जो डीमार्ट का रोड है ना, जहाँ पे SBI बैंक है, उसके स्टार्टिंग में ही है ये। और हम लोग ने 3-4 बार यहाँ से, मैंने भी खुद ट्राई करके देखा है जब से मैं आई हूँ तब से, और सुशांत करीबन आई थिंक 8-10 दिन हो गए यहाँ से यूज़ करा है। बहुत अच्छा, हेल्दी और फ्रेश रहता है। एंड गुड फॉर हेल्थ एक्चुअली, तो इसके लिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से। और एकदम नीट एंड क्लीन है सब, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके, और 50 रुपीज़ में पूरा इतना बड़ा बाउल भर के है। और उसके साथ आपको सूप भी मिलता है, तो आप सूप भी चूज़ कर सकते हो आपके पसंद का। आपको मूंग का चाहिए, पुदीना चाहिए, पालक चाहिए, मेथी चाहिए, ड्रमस्टिक चाहिए, मशरूम, कौन सा, बहुत सारे, नहीं कितना बड़ा लिस्ट है। आप खुद, मैं अभी खुद कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा सैलेड लूँ और उसके साथ कौन सा सूप लूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ, नहीं तो हमेशा सुशांत ही पार्सल लेकर आता है। और बहुत हेल्दी है, तो आप कभी यहाँ से गुजरोगे तो ज़रूर ट्राई करके देखना, संजीवनी करके। तो ये देखिए पूरा बाउल भर के बनाया है, इसमें पूरा सब मिक्स है, ये सब, ये देखिए पूरा इतना स्टॉक भर के रखा है, रात तक पूरा ख़त्म भी हो जाता है इनका। कितने से कितने बजे तक बैठते हो आप लोग, मतलब स्टॉल कितने बजे तक रहता है? 5 से 10:30 बजे। 5 से 10:30 बजे तक। और कितने साल से आप कर रहे हो ये? इधर हो गया 8-9 साल तक। 8-9 साल से कर रहे हो, तो ये सारे सूप वाले है ना, ये सब हॉट सूप का है, इतने सारे वैरायटी है इनके पास। थर्मस है एक्चुअली, हाँ थर्मस है, ठंडा रखने के लिए। और यहाँ पे सारे गर्म रखने के लिए, यहाँ पे सारे स्प्राउट्स वगैरह रखे और बहुत अच्छे से बना के देते हैं। ये देखिए सूप अभी जो मैंने चूज किया, मैंने बोला इतना आई गए तो एक कोल्ड जूस ट्राई करके देखते, तो मैंने प्लम पीच अनार पेरू मिक्स वाला लिया। ये देखिए पूरा आधा पीके भी हो गया और एकदम ठीक है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, अनार का, पेरू का और प्लम का अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसमें अनार के दाने भी डाले, तो बीच बीच में मुँह में वो भी आ रहा है। तो ये देखिए हाफ हो गया है, सानू ने थोड़ा सा ट्राई किया, उसको इतना कुछ खास नहीं लगा, बट मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत अच्छा, हेल्दी है। और जूस में भी बहुत सारे ऑप्शन है, सूप में भी बहुत सारे ऑप्शन है, सैलेड में भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप एकदम कन्फ्यूज़ हो जाओगे अगर इसमें से लेना हो तो मैं कौन सा लूँ करके। सो वी हैव रीच्ड होम और हम लोगों ने ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किया, जो मैं आपको दिखा सकती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वहाँ जूडियो से मैंने ये सॉक्स लिया, 3 सॉक्स है 100 रुपीज़ का, नाइस पिंक, वाइट एंड ब्लैक कलर का है। और सानू के लिए शूज़ लिया, सानू दिखाओ, ब्लैक और फ्लोरेसेंट कलर का शूज़ लिया, क्योंकि उसका शूज़ वैसे भी ख़राब हो चुका था, तो वहाँ उसको पसंद आ गया। और ये बंदूक लिया उसके लिए, मुझे कुछ खिलौना दिलाओ कर करके उसने वो बंदूक ले लिया। 2 बंदूक है ना सानू, छोटा वाला भी है ना। और यहाँ पे सूटकेस आ चुका हम लोग का बाहर, ये छोटा वाला बंदूक है और ये बड़ा वाला है, तो कब से उसके साथ ही वो खेल रही है। और उसके अलावा बाकी छोटी मोटी चीज़ें ली, सूटकेस आ चुका है और इसमें अभी हम लोग पैकिंग स्टार्ट करने वाले, बिकॉज़ हम लोग के पास टाइम बहुत कम है। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाना पड़ेगा, बिकॉज 8 बजे का गाड़ी का पिकअप टाइम है, 8 o'clock वी हैव टू लीव फ्रॉम हियर। सो अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, एंड करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे। आई होप आप लोग ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। सुशांत इज़ बिज़ी, वो कुछ अपना काम कर रहा है, तो मैं मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। कल के ब्लॉग में आपको पता चलेगा ये जो इतनी सारी तैयारी चल रही है, कहाँ जाने के लिए हो रही है, तो प्लीज़ कल का ब्लॉग ज़रूर देखना। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। नानू से बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू।